वालेकुम मैं हूँ अफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज आवाम की भरपूर फरमाइश पर हम बात करने वाले हैं प्रीमियर प्रो के बारे में एक डेढ़ साल पहले मैंने प्रीमियर प्रो के ऊपर एक सीरीज़ बनाई थी जिसको आपने काफ़ी पसंद किया था और उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए कि किस तरह से हम अपनी वीडियो एडिटिंग को इनहेंस कर सकते हैं लोगों को काफी वो सीरीज पसंद आई क्योंकि उसके अंदर तकरीबन 40 प्लस वीडियोस थी उस पर रोज मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि लोग पूछ रहे होते हैं कि किस तरह से टाइटल्स ऐड कर सकते हैं किस तरह से ट्रांजेशन ऐड करेंगे और मुख्तलिफ ट्यूटोरियल आप मजीद बनाएं प्रीमियर प्रो को लेकर और वीडियो एडिटिंग को लेकर तो आज हम उसी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे कि सिनेमेटिक टाइटल्स आप अपनी वीडियो के अंदर किस तरह से ऐड कर सकते हैं और मैं आपको चार ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त और सिनेमेटिक टाइटल्स दूंगा जिनको आप अपनी वीडियोज़ के ऊपर यूज़ कर पाएंगे अगर आप व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं और अगर आप किसी किस्म की भी वीडियोज़ बनाते हैं तो वो टाइटल्स आपके काफ़ी काम आएंगे और डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी मैं यूज़ करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा चाहे वो सैम्पल वीडियोज़ हों ये टाइटल्स हों और उसके बाद जो कुछ भी हम इस वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है तो आप उस पर क्लिक करके वो डाउनलोड कर सकते हैं सब कुछ और उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आज मैं आपको बहुत ही कमाल के सिनेमैटिक टाइटल्स डिज़ाइन करके बताऊंगा प्रीमियर प्रो के अंदर कि किस तरह से आप उन्हें डिज़ाइन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी के कलर्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं और हम चार ऐसे सिनेमैटिक टाइटल्स को देखेंगे जो कि बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही सिंपल और यूनिक हैं जिनको आप अपनी वीडियोस के ऊपर यूज करेंगे तो आपकी वीडियो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी चलिए चलते हैं प्रीमियर प्रो के ऊपर सीधा और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप इन टाइटल्स को यूज करेंगे नीचे से आप डाउनलोड करें और उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ ओके तो यहाँ स्क्रीन पर देखें तो मेरे पास दो फोल्डर्स मौजूद हैं एक है सिनेमेटिक टाइटल्स का जिसके अंदर हमारे टाइटल्स हैं और उसके बाद एक है वीडियोज का इसके अंदर सैम्पल वीडियोज मैंने रखी हुई हैं जैसे इसे मैं ओपन करता हूँ तो ये तीन वीडियोज मैंने आपके लिए इम्पोर्ट की हैं इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे और उसके बाद यहाँ पे फोर टाइटल्स हैं हमारे इनको अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो इसके अंदर चार टाइटल्स आपको दिख जाते हैं जैसे ये है एक ड्रॉप टेक्स्ट ये एक काफ़ी अमेजिंग टाइटल है ड्रॉप टेक्स्ट का उसके बाद ये एक सिंपल सा मिनिमल टाइटल है और उसके बाद ये एक रिवील वाला है और उसके बाद ये एक स्लाइड वाला है तो इन चारों को अब हम यूज़ करके देखेंगे प्रीमियर प्रो के अंदर प्रीमियर प्रो मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे और आपको ये मेरी टाइम लाइन थोड़ी अजीब सी दिख रही होगी क्योंकि मुझे ये पसंद है स्टाइल आप अगर नॉर्मल यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से विंडोज़ वर्क स्पेस में जाके अपना सेलेक्ट कर सकते हैं मुझे ये इंटरफेस पसंद है इस तरह से कि मैं यहाँ पे मीडिया अपना ऊपर रखूँ और टाइम लाइन मेरी पूरी नीचे यहाँ पे आ रही हो क्योंकि मुझे टाइम लाइन बड़ी थोड़ी अच्छी लगती है अगर वो छोटी हो तो उसमें काम करने में थोड़ी मुश्किल आती है अब इम्पोर्ट करते हैं उनको टाइटल्स को अब जैसे सबसे पहले तो मैं वीडियोज़ को इम्पोर्ट कर लेता हूँ तो अपनी प्रोजेक्ट विंडो के अंदर आके आपने डबल क्लिक करना है और मैं यहाँ से तो मैं ये तीनों वीडियोज़ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेते हैं अब ये प्रीमियर प्रो के अंदर हमारी ये तीन वीडियोस इंपोर्ट हो गई सीक्वेंस अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं ये वीडियोस हाई क्वालिटी की फुल एच की हैं तो मुझे सीक्वेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है अब सबसे पहले मैं इस वीडियो को इम्पोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसे इम्पोर्ट किया अब ये हमारी वीडियो आ गई अब इसके ऊपर एक टाइटल हम अप्लाई करके देखते हैं ये बड़ी ब्यूटीफुल सी वीडियो है ड्रोन शॉट है अगर यहाँ पे मैं इसे प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग सा ये एक सीन हमें यहाँ पे मिल चुका है अब इसके ऊपर हम एक टाइटल ऐड करना चाहते हैं यानी अगर आप व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं तो आपको पता होगा कि इस तरह से अगर आप कोई शॉर्ट ऐड करते हैं तो उसके ऊपर हम यूजली अपनी लोकेशन रिवील करते हैं कि ये कहाँ का शॉर्ट है तो वहाँ पे हम ऊपर लिखते हैं ये कराची है या जो भी है कोई भी आप टेक्स्ट देना चाहें तो आप देख सकते हैं अब टाइटल इंपोर्ट किस तरह से करेंगे ये टाइटल अगर आपने देखा हो मैं यहाँ पे अगर आपको टाइटल दिखाऊं तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मुझे ऐड करना है ये ड्रॉप टेक्स्ट या फिर स्लाइड वाला तो स्लाइड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये है मोगट फाइल ये हमारी है ये वीडियो सैम्पल है इसके अंदर बताया गया कि टाइटल किस तरह से दिखता है ये हमारी असल टाइटल की फ़ाइल है जो कि स्लाइड और ये मोगट फॉर्मेट के अंदर है तो इसको नॉर्मली आप प्रीमियर प्रो के अंदर इंपोर्ट नहीं कर सकते इस प्रोजेक्ट विंडो के अंदर तो इसके लिए आपको इसे इंपोर्ट करना होगा एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल के अंदर मेरे पास यहाँ पे ये यह मौजूद है इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल मेरे पास ओपन हो गया अगर आपके पास यहाँ पर नहीं शो हो रहा तो आप विंडोज़ में जाएँ और उसके बाद यहाँ से होगा ये एसेंशियल ग्राफिक्स इसे मैंने यहाँ पर ओपन किया तो इसलिए टिक दिख रही है अगर यहाँ पर टिक मार्क ना हो तो उसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा अब इसेंशियल्स ग्राफिक्स के पैनल के अंदर आने के बाद अब यहाँ पे आपने इम्पोर्ट करना है यानी यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट प्रीसेट्स भी दिए हुए हैं और अगर आप अपना इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे एक प्लस का आइकॉन आपको दिख रहा है इंस्टॉल मोशन ग्राफिक्स टैंपलेट्स इस पर क्लिक करें और आपको इम्पोर्ट करने के लिए बोलेगा तो आपने अपने उसी टाइटल्स के फ़ोल्डर के अंदर जाना है हमारा ये है और इसके अंदर आप कोई भी आप कर सकते हैं जैसे मैं ये मिनिमल करता हूँ एक बार इसको ओपन करते हैं तो आप देखें ये मॉगट फॉर्मेट आपके अंदर दिखाई दे रहा है फोल्डर के अंदर तो आप इसे सेलेक्ट करें और ओपन कर दें अब जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो अब ये आपके इन ग्राफिक्स के अंदर ओपन हो चुका है तो अब मैं इसे ढूंढने के लिए यहाँ पे नीचे जाऊँगा यहीं पे कहीं ये इंपोर्ट हुआ होगा तो यहाँ अगर सबसे लास्ट में आते हैं तो ये आपका टाइटल सिक्स के नाम से ये टाइटल मौजूद है तो इसे मैं अगर ड्रैग करता हूँ यहाँ पर अपनी टाइम के ऊपर अपने फुटेज के ऊपर तो अब ये आ गया और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा प्ले हेड को आगे करूँ तो यहाँ पे ये यह आपको दिखाई देगा अब इसका ये यह यहाँ से इसका साइज़ बहुत छोटा है इसलिए ये आपको छोटा दिख रहा है मैं क्या करूँगा इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा और जाऊँगा मैं यहाँ पे इफ़ेक्ट्स कंट्रोल के अंदर और यहाँ से आके मैं इसका स्केल बढ़ाता हूँ तो अब ये टाइटल हमारा स्क्रीन के ऊपर बड़ा हो जाएगा और इस स्कील को मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये बड़ा है अब इसे सेलेक्ट करें तो अब इसका कलर चेंज करना है इस टाइटल के ऊपर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या इसकी नीचे टाइम के अंदर लेयर सेलेक्ट करेंगे तो तोंशस ग्राफिक्स के पैनल के अंदर आपको ये एडिट सेक्शन के अंदर ये दिखाएगा कि आप अपना टेक्स्ट जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं सबसे पहले तो दोनों लाइन्स का कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से कलर पर क्लिक करते हैं और कलर मैं वाइट दे, दे देता हूँ ओके करते हैं दूसरे को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से भी इसका वाइट दे देते हैं और ओके करते हैं अब दोनों का कलर वाइट अब आपको सही से दिख रहा होगा यहाँ पे प्रीव्यू विंडो के अंदर कि हमारा टाइटल यहाँ पे आ चुका है और काफ़ी ये सही लग रहा है उसके बाद स्केल यहाँ पे भी दिया हुआ है उसके बाद थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऊपर इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आऊँगा लेयर आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए जो टाइटल वाली लेयर है और यहाँ से स्केल इसका बढ़ा दें आप और मैं इतना कर देता हूँ ये मुझे ठीक लग रहा है उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस्लामाबाद आ, मैं यहाँ पे ऊपर लिखना चाहता हूँ तो स्मॉल जो लेटर्स हैं यानी छोटे जो ऊपर लिखे हुआ है इसमें मैं अपनी जो ब्रॉडर लोकेशन है वो लिख दूँगा जैसे पाकिस्तान और उसके बाद नीचे आते हैं तो इसमें मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद और अब आप देखें ये टाइटल बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और जैसे ही ये इस तरह से आएगा मैं इसे रेंडर करके आपको प्ले करके दिखाता हूँ टाइम लाइन मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ प्रिव्यू को यहाँ पे टाइम लाइन में आने के बाद इसके शुरू में मैं आके यहाँ पे प्ले हेड रखूँगा और आई प्रेस करूँगा और उसके बाद एंड में प्ले हेड रखूँगा और ओ प्रेस करूँगा तो इन एंड आउट पॉइंट लग गया और उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये इन से आउट तक मेरी जो टाइम लाइन है उसे रेंडर कर देगा ताकि हम प्रीव्यू ले सकें अपने इस टाइटल का तो अभी ये रेंडर कर रहा है हम थोड़ी देर वेट करते हैं और रेंडरिंग के बाद देखते हैं कि हमारा टाइटल कैसा दिख रहा है ओके तो हमारी टाइमलाइन रेंडर होगी और जैसे ये रेंडर होती है तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन दिखता है कि अब आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं तो जैसे मैं इसे अब थोड़ा सा तो अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं इसे प्ले करता हूँ और इस तरह से ये हमारा टाइटल आएगा और ये थोड़ा सा ऐसे जूम होता है आगे और उसके बाद इस तरह से ये ऑफ हो जाएगा तो ये काफ़ी अमेजिंग लग रहा है ये मुझे काफ़ी सिंपल लगा तो मैंने कहा कि इसे लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं अब इस तरह से सेम तरीके से ग्राफिक्स एसेंशल्स ग्राफिक्स के पैनल के अंदर आप बाकियों को इम्पोर्ट करेंगे और सेम तरीके से यूज़ करेंगे यानी इम्पोर्ट करने के बाद अगर आप अपनी लेयर को सेलेक्ट करेंगे तो ये एडिट सेक्शन के अंदर आपको उसकी एडिटिंग के ऑप्शंस देगा कि आप अपना टेक्स्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं यानी पहली लाइन का टेक्स्ट ये पाकिस्तान और ये इस्लामाबाद उसके बाद यहाँ स्केल इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं और ये कलर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कलर इसका आप कोई भी रख सकते हैं ग्रीन के ऊपर वाइट अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा वाइट रखते हैं अब सेम मैं वापस आऊँगा यहाँ से एडिट के साथ ही ब्राउज का ऑप्शन है ब्राउज के अंदर दोबारा यहाँ पर प्लस पे क्लिक करते हैं और अब मैं जाता हूँ वापस यहाँ से सिनेमेटिक्स के अंदर और मैं रिवील वाला ओपन करता हूँ ये इसे क्लिक करते हैं और यहाँ से रिवील वाले को ओपन करते हैं जैसे ही ओपन करेंगे तो अब ये रिवेल वाला हमारे इस पैनल के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा ये है रहा तो इससे मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर टाइम के अंदर ड्रॉप करता हूँ यहाँ से इसे ओके करें वो बोल रहा है कि फॉन्ट्स आपके नहीं मिल रहे सेम तो फॉन्ट्स को यहाँ से छोड़ दें आप ओके कर दें फॉन्ट्स आप अपनी मर्ज़ी से अपने चेंज कर सकते हैं जो भी आपके सिस्टम के अंदर मौजूद हैं ओके करते हैं और अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ से प्रोजेक्ट विंडो के अंदर और उसके बाद मैं कोई और वीडियो इम्पोर्ट कर लेता हूँ जैसे ये वाली इसे इंपोर्ट करते हैं टाइम के ऊपर और उसके बाद मैं यहाँ से आगे थोड़ा प्ले हेड को करता हूँ और इस फुटेज के ऊपर मैं ये वाला टाइटल दिखाना चाहता हूँ तो अब यहाँ से देखें ये लग चुका है हमारा टाइटल सिंपली थोड़ा सा मिडल में आए ताकि टाइटल आपके सामने आ जाए अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है एक तो फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा और दूसरा ये डिज़ाइन जो है वो काफ़ी छोटा लग रहा है तो इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट करने वाली है यहाँ से नीचे टाइम में लेयर को सेलेक्ट करें और उसके बाद ऊपर आ जाएँ आप यहाँ से सेंश ग्राफिक्स के अंदर और एडिट पैनल के अंदर आप काफ़ी ऑप्शन आपको दिखा रहा है वो अब सबसे पहले तो ये एक्स स्केल बॉक्स वन तो इसे हम जैसे मैं यहाँ से इंक्रीज करता हूँ तो, तो देखें बॉक्सेस का जो साइज़ है वो बड़ा हो रहा है तो ये मुझे छोटा करना है ताकि टेक्स्ट के अंदर फिट आ जाए सबसे पहले तो काम हम करते हैं कि हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं और फॉन्ट चेंज करने के लिए आप यहीं पे नीचे आएंगे और इसी पैनल के अंदर जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये यह फ़ॉन्ट का ऑप्शन है आप इसमें अपनी मर्जी का कोई भी फॉन्ट रख सकते हैं जैसे मुझे पसंद है एक बी ई बी एस ये वाला तो इसे मैं क्लिक करता हूँ अब देखें मोशन के अंदर ये फॉन्ट हमारा लग गया है सेम इस तरह नीचे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इसका फॉन्ट भी मैं वही कर देता हूँ बी ई -E बी एस लिखेंगे और यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट आ जाएगा अब इन फॉन्ट्स के हिसाब से हमें इस बॉक्स को एडजस्ट करना है तो अब मैं ऊपर आता हूँ और ऊपर आने के बाद मैं थोड़ा सा मजीद ऊपर आऊँगा और इन बॉक्सेस को मैं अब छोटा करूँगा तो मैं इसे छोटा करता हूँ इस तरह से जितना हमारा ये फॉन्ट है उतना ही इस बॉक्सेस को मैं रखूँगा उसके बाद ये स्लाइडर सेकंड स्लाइडर को अगर आप कम करेंगे तो आपकी जो ये लाइन है नीचे से ये जो है वो बड़ी होना शुरू हो जाएगी लाइन को थोड़ा और बढ़ाऊंगा इसे मैं जितना ही पीछे लेके जाऊंगा ये लाइन मेरी उतनी ही बढ़ेगी और इस वाले को मैं गैप थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ ताकि जितना ये मोशन वर्ड हमारा आ रहा है उसके हिसाब से ये गैप आना चाहिए तो अब थोड़ा सा मैं इसे इनक्रीज़ करता हूँ आप मेरी वैल्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं अब आपने जो फॉन्ट सेलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से आपने इसे एडजस्ट करना है तो मैं यहाँ से स्लाइडर्स को आगे पीछे करके अपने टेक्स्ट के हिसाब से अपने इन बॉक्सेस को एडजस्ट कर लेता हूँ ओके तो अगर आप देखें तो मेरे फॉन्ट भी चेंज हो चुके हैं और उसके बाद बॉक्स ये जो है वो भी सही टेक्स के साथ अलाइन हो चुका है तो अब ये ठीक है अब मैं यहाँ पे आता हूँ टाइम लाइन के अंदर यहाँ पे वापस आई प्रेस करता हूँ यहाँ पे ओ प्रेस करते हैं और इसे रेंडर करते हैं एंटर प्रेस करेंगे इन एंड आउट पॉइंट लगाने के बाद अगर आप एंटर करते हैं तो ये रेंडर इन टू आउट करेगा यानी इन पॉइंट से आउट पॉइंट तक रेंडर करेगा आपकी टाइम लाइन को तो अब थोड़ा वेट करते हैं और ये रेंडर हो ले ओके okay, तो टाइम लाइन रेंडर हो चुकी है और अब मैं जैसे प्ले करता हूँ इसे तो इस तरह से ये टाइटल आपका यहाँ पर रिवील होगा तो ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है और ग्रीन के ऊपर तो वाइट ही बेस्ट लगता है तो कलर यही अच्छा है इस तरह से ये ऑफ हो जाएगा तो ये दूसरा टाइटल हमने लगा लिया उसके बाद इस तरह से मैं अपनी प्रोजेक्ट विंडो के अंदर आता हूँ और तीसरा फुटेज मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ अपनी टाइम के ऊपर और फुटिज़ को टाइम लाइन पर जैसे ही आप लाते हैं ये यहाँ से मैं इसे ड्रैक करूँगा और ये फुटेज यहाँ पे आ जाएगा ये भी काफ़ी अच्छा शॉट है ये भी ड्रोन शॉट है सारे ड्रोन्स के मैंने रखे हुए अक्सर हम टाइटल्स ड्रोन्स शॉट के ऊपर यूज़ करते हैं मत दोबारा से ग्राफिक्स के अंदर जाऊँगा यहाँ से ब्राउज़ के अंदर जाऊँगा प्लस पे क्लिक करेंगे और अब मैं इंपोर्ट कर लेता हूं अपना एक और टाइटल जो के होगा ये स्लाइड वाला तो स्लाइड वाले को ओपन करते हैं यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और ओपन जैसे ही करते हैं तो शायद वही आपको एरर दिखाए कि फोट आपके मैच नहीं हो रहे तो मैं यहाँ पे नीचे आके सबसे पहले तो इसे इंपोर्ट करूँगा और देखूँगा ये हमारा कहाँ पर आया ओके तो ये है टाइटल थ्री के नाम से इसे मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपनी टाइम के ऊपर और टाइम के ऊपर आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टाइटल दिखा रहा है अब इसका साइज़ एक तो छोटा है हमें साइज़ बड़ा करना है तो इसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सबसे पहले तो मैं इसका एस ग्राफिक्स और एडिट के अंदर आके यहाँ से कलर वाइट कर देता हूँ और ओके तीनों का कलर यहाँ से वाइट करेंगे और ताकि हमें दिखना तो शुरू हो कुछ और फॉन्ट मैं यही रख रहा हूँ यहाँ पे भी टेक्स्ट भी ये रहने देता हूँ मुझे बस आपको दिखाना है कि कैसा लग रहा है उसके बाद इफ़ेक्ट्स कंट्रोल्स के अंदर से मैं इसका स्केल बढ़ा रहा हूँ और इतना स्केल ठीक है या फिर अगर आप चाहें तो पोजीशन भी आप इसकी चेंज करके टॉप में रख सकते हैं ताकि ग्रीन के ऊपर आए तो ये अच्छा लगे यहाँ से इफ़ेक्ट्स कंट्रोल से मैं इसकी पोजीशन जो है वो एडजस्ट कर रहा हूँ ग्रीन के ऊपर या मैं नीचे से अगर रखूँगा तो मुझे लग रहा है कि नीचे ही अच्छा दिखेगा यहाँ पर साइड में इधर भी ठीक लगेगा ऐसे लगेगा जैसे लेफ़्ट से राइट ये स्लाइड कर रहा है तो अब थोड़ी सी पोजीशनिंग मैं इसकी यहाँ पे सेट करता हूँ अब ये टाइटल हमारा यहाँ पे हो गया अब इसे रेंडर करते हैं और देखते हैं कि कैसा लग रहा है तो मैं यहाँ पे आके आई प्रेस करता हूँ यहाँ पे आके ओ प्रेस करता हूँ तो अब मैंने इन एंड आउट लगाया और उसके बाद मैं एंटर करूँगा इसे रेंडरिंग होने देते हैं और उसके बाद हम प्रिव्यू करते हैं अब ये रेंडर हो गया मैं शुरू से आके इसे प्ले करता हूँ तो इस तरह से वीडियो प्ले हो रही है और ये इस तरह से आ रहा है ये काफ़ी ज़बरदस्त टाइटल मुझे लग रहा है और इसकी पोजिशनिंग भी हमने सही जगह प्लेस किया है ऐसा लग रहा है जैसे लेफ़्ट से राइट की तरफ वो स्लाइड कर रहा है इस तरह से आपने पोजिशन को भी एडजस्ट करना होता है ताकि सही जगह आप वीडियो के ऊपर इसे प्लेस करें तो ये तीन तो हमने यूज़ किए इस तरह से आप चौथा भी कर सकते हैं सेम तरीके से एसेंशियल्स ग्राफिक्स में उसे इंपोर्ट करेंगे और अपनी वीडियो के अंदर आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन के ऊपर तो अगर मैं इसमें थोड़ी कलर ग्रेडिंग करता हूँ थोड़ा म्यूज़िक डालता हूँ और बीट्स के ऊपर कट्स वगैरह करके और फाइनल हमारी ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से आती है तो ये टाइटल्स आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा और क्या आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं और उसके बाद जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक भी नीचे लिखें ताकि आने वाली वीडियोस मैं उन टॉपिक्स के ऊपर बनाऊँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं यहाँ पर क्रेडिट देना चाहता हूँ मिक्स किट को क्योंकि वहाँ से हमने ये ढूँढे हैं तमाम टाइटल्स और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मिक्स किट डॉट कॉम के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे टाइटल्स और ट्रांजिशन और इफ़ेक्ट्स और प्रीसेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे तो इस तरह के प्रीमियर प्रो के जो प्रीसेट्स हैं वो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं चाहे वो आफ्टर इफेक्ट्स हो प्रीमियर हो चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है लेकिन वैसे ही मैं एथिकली उनको क्रेडिट दे रहा हूँ हमने उनके टाइटल्स यूज़ किए हैं तो आप ये तमाम प्रीसेट्स अपने कमर्शियल और नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर थैंक यू